नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हिंदी व्याकरण की इस ऑनलाइन कक्षा में। दोस्तों, मैं रामोतर शर्मा, आप देख रहे हैं अपनी कलम अपनी आवाज पर। दोस्तों, सबसे पहले कहना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को लाइक करके सभी के साथ शेयर कर देना। आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। आज हम शुरू कर रहे हैं कारक, हिंदी व्याकरण का प्रकरण है कारक। तो हम आज कारक शुरू करें। इससे पहले हम क्या क्या बात कर चुके हैं इसके बारे में आपको बता दूँ। दोस्तों, वास्तविक व्याकरण का सामान्य परिचय, वर्ण विचार, शब्द विचार, संधि, ये सभी चैप्टर हमने क्लियर कर लिए हैं। आप इनको नहीं देखे हैं, आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं, तो पास में वीडियो के पास जो प्लेलिस्ट बनी हुई है वहाँ पे आप जाकर हिंदी व्याकरण की प्लेलिस्ट देख सकते हैं क्रम से। हम शुरू कर रहे हैं कारक। दोस्तों, कारक का शाब्दिक अर्थ देखें। कारक का शाब्दिक अर्थ होता है कार्य करने वाला। क्या होता है? कार्य करने वाला। शाब्दिक अर्थ होता है कार्य करने वाला, ठीक है। परिभाषा की बात करें, वे शब्द जिनका क्रिया के साथ प्रत्यक्ष संबंध होता है। क्या होता है? प्रत्यक्ष संबंध होता है। या हम बात करें शाब्दिक अर्थ हो गया कार्य करने वाला, लेकिन क्या कार्य करने वाला? वाक्य में शब्दों या पदों को जोड़ने का कार्य करने वाला। क्या कार्य करने वाला? जोड़ने का कार्य करने वाला, वही क्या कहलाता है? कारक। अब हम बात करते हैं कारक के कितने प्रकार होते हैं, कौन कौन से होते हैं, कितने भेद होते हैं। तो दोस्तों, मूल व्याकरण की बात करें, उस समय कारक थे छह। कितने थे? छह। कौन कौन से थे? देखिए, पहला था कर्ता कारक, दूसरा कर्म, तीसरा करण, चौथा संप्रदान, पांचवा अपदान, और सीधा आता है छह नंबर आता है अधिकरण। ये कारक मूल व्याकरण के कारक छह ही थे, ठीक है। लेकिन दो कारक, एक है संबंध कारक और एक संबोधन। ये संबंध कारक और संबोधन कारक, इनका व्यवहार, इन सभी कारकों के समान व्यवहार होने के कारण ही इन्हें भी इन कारकों में मान लिया गया, और कुल कारक कितने हो गए? आठ। दोस्तों, परीक्षा में पूछे कि कारक कितने होते हैं, या नाम भी पूछ ले, तो कार्य कितने करने हैं आपको? आठ ही करने हैं, ठीक है। अब हम एक सारणी के माध्यम से समझेंगे कार्य कितने होते हैं, उनकी विभक्ति कौन सी होती है, और उनकी विभक्ति चिन्ह या विभक्ति चिन्ह को कहते हैं परसरक। ये भी याद रखना है, परीक्षा में पूछा गया है कि परसरक किसे कहते हैं, तो विभक्ति चिन्ह को क्या कहते हैं? परसरक। तो इनके परसरक विभक्ति चिन्ह क्या होते हैं, ये भी हम देखेंगे। दोस्तों, पहला कारक जो है वो होता है कर्ता कारक। पहला कार्य कौन सा है? कर्ता कार्य। इसमें विभक्ति होती है प्रथमा विभक्ति। कौन सी होती है? प्रथमा। इसका विभक्ति चिन्ह होता है या तो होता ही नहीं है। कैसे नहीं होता है? जैसे राम पुस्तक पढ़ता है। क्या आया? राम पुस्तक पढ़ता है। तो पुस्तक पढ़ने का काम कौन कर रहा है? राम, कर्ता। तो यहां पर चिन्ह नहीं आया ना, राम के बाद कोई चिन्ह नहीं आया, सीधा क्या गया? पुस्तक पढ़ता है। तो या तो चिन्ह होता ही नहीं है या होता है ने। क्या होता है? ने। दूसरी होता है, दूसरा कारक है कर्म कारक। क्या है? कर्म कारक। इसमें विभक्ति होती है द्वितीय विभक्ति। कौन सी होती है? द्वितीय। यहां पे भी या तो चिन्ह होता ही नहीं है। कैसे नहीं होता है? राम ने पुस्तक पढ़ी। तो पुस्तक के बाद, पुस्तक यहां पर कर्म है, क्या पढ़ा? पुस्तक पढ़ा। लेकिन पुस्तक के बाद कोई भी विभक्ति चिन्ह नहीं है, पुस्तक पढ़ी सीधा आ गया, तो यहाँ पे कोई चिन्ह है तो इसमें कर्म कारक है। यहाँ पे एक तो चिन्ह होता ही नहीं है, यह होता है को, कर्ता ने कर्म को। तीसरा होता है करण कारक। इसे क्या होता है? करण कारक। इसमें विभक्ति होती है तृतीय। यहाँ पे से या
के द्वारा से या के द्वारा विवेचन या प्रसर्ग होते हैं। चौथा कारक है संप्रदान। कौन सा कारक है? संप्रदान। इसमें विभक्ति होती है चतुर्थी। कौन सी होती है? चतुर्थी। इसका विभक्ति चिन्ह होता है के लिए। क्या होता है? के लिए। पांचवा है अपादान कारक। कौन सा कारक है? अपादान। इसमें विभक्ति होती है पंचमी। कौन सी विभक्ति होती है? पंचमी। इसका होता है विभक्ति चिन्ह से। अब से क्या अलग होने के अर्थ में, यहां पे भी आया से, लेकिन यहां पे क्या है? अलग होने के अर्थ में वहां पर होता है अपादान कारक। छह जो कारक है, छठवां कारक होता है संबंध कारक। कौन सा है? संबंध कारक। इसमें होती है विभक्ति षष्ठी। कौन सी विभक्ति होती है? षष्ठी। और उसके जो चिन्ह होते हैं वो होते हैं विभक्ति चिन्ह का, के, की, रा, रे और री। ये विभक्ति चिन्ह होते हैं। सातवां जो कारक है वो होता है अधिकरण। कौन सा कारक है? अधिकरण कारक। और इसमें विभक्ति होती है सप्तमी विभक्ति। कौन सी होती है? सप्तमी। इसके विभक्ति चिन्ह होते हैं में, पे और पर। आठवां जो है वो होता है संबोधन कारक। कौन सा होता है? संबोधन कारक। इसकी विभक्ति का नाम संबोधन ही है। इसमें जो चिन्ह होते हैं वो होते हैं हे, अरे, ओ। ठीक है, तो ये होते हैं आठ कारक, आठ विभक्तियां और इन्हीं के आठ ये चिन्ह। दोस्तों स्क्रीनशॉट दे लो, आराम से देख लेना, वेरी इंपॉर्टेंट। इन्हीं से ही हमें वाक्य में पता चलता है कि कौन सी विभक्ति है, इन्हीं से ही सबका पता चलता है। तो अब हम अलग अलग कारक की बात करते हैं कि कर्ता कारक में कैसे पता चलता है, कौन से कारक होते हैं, कौन से उदाहरण होते हैं, इन सभी की बात हम अलग अलग करते हैं। दोस्तों एक उदाहरण बताता हूँ, जो हमने अभी आठ विभक्ति आठ कारक पढ़े इसका एक उदाहरण के माध्यम से, एक उदाहरण में सभी कारक आ जाएंगे वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे भी उदाहरण लिख रहा हूँ, हे बच्चों राम ने रावण को बाण से सीता के लिए अयोध्या से रावण की लंका में जाकर मारा। दोस्तों ये एक वाक्य है, हे बच्चों राम ने रावण को बाण से सीता के लिए अयोध्या से रावण की लंका में जाकर मारा। अब यहाँ पे देखिए, हे बच्चों हमने अभी भी विभक्ति चिन्ह पढ़े हैं, तो हे जहाँ पे आता है वहाँ पे कौन सा होता है? संबोधन कारक। कौन सा होता है? संबोधन कारक। राम ने, कर्ता ने, तो कौन सा हो गया? कर्ता कारक। ठीक है, रावण को, कर्ता ने, क्रम को, कौन सा हो गया? कर्म कारक। बाण से, करण से, तो कर्ण कारक। वो याद कर लेंगे आपको, कर्म जो परस्तर गए हैं विभक्ति चिन्ह है, कर्ता ने क्रम को कर्ण से, संप्रदान के लिए पदन से अलग, इस प्रकार से आपको पूरे याद करने हैं। बाण से क्या हो गया? करण। सीता के लिए तो संप्रदान कारक हो गया, संप्रदान के लिए। ठीक है, अब देखो अयोध्या से रावण की, अब अयोध्या से अलग हो रहा है राम, अयोध्या से अलग होकर कहा जा रहा है रावण की लंका में, तो यहाँ पे अयोध्या से अलग होने के अर्थ में हमने बात की थी, तो यहाँ पे हो गया अपादान कारक। क्या हो गया? अपादान कारक। रावण की का के की संबंध का के किया ना, तो हो गया संबंध कारक। लंका में जाकर, तो लंका में पेपर, तो कौन सा हो गया? अधिकरण। कौन सा हो गया? अधिकरण कारक। तो इस एक वाक्य में आठों कारक आ गए, आठों की
जो विभक्तियां विभक्ति चिन्ह वो भी आ गए। दोस्तों अब हम बात करते हैं कर्ता कारक की। क्या बात करते हैं? कर्ता कारक की। क्रिया को करने वाला क्या कहलाता है? कर्ता। कर्ता कारक की परिभाषा पूछे, कभी पूछते नहीं है, अगर पूछे तो कर्ता कारक क्या है? क्रिया को करने वाला क्या कहलाता है? कर्ता। बिना कर्ता के क्रिया संभव नहीं है, क्रिया का होना संभव नहीं है। जैसे हम बात करते हैं उदाहरण की, राम पुस्तक पढ़ता है, राम पुस्तक पढ़ता है। यहां पर देखो राम, हमने बड़ा बात की थी विभक्ति चिन्ह की कर्ता ने, और इसके साथ एक बात की थी चिन्ह होता ही नहीं है, कर्ता चिन्ह में चिन्ह होता ही नहीं है। तो यहां पर देखो राम ने नहीं है, अच्छी तरह राम पुस्तक पढ़ता है, फिर भी यहां पे पुस्तक पढ़ने वाला क्या है? हमेशा कर्ता का जो क्रिया है उससे प्रत्येक संबंध रहता है। तो यहाँ पे पुस्तक पढ़ने वाला कौन है? राम पुस्तक पढ़ता है। पुस्तक नहीं है तो भी क्या है? राम पढ़ता है। ठीक है, क्या पढ़ता है? तो अजत है कर्म। तो यहाँ पे राम का संबंध किससे है? क्रिया का सीधा संबंध है। तो यहाँ पे कर्ता क्या हो गया? राम। ठीक है, उसी प्रकार उसने छींका, उसने छींका, एकदम छोटा सा वाक्य है। तो यहाँ पे देखो छींकने का काम कौन कर रहा है? वह है। वह का मतलब वही विभक्ति चिन्ह हो गया, तो फिर उसने, उसके वो अलग विभक्ति में प्रयोग करते हैं तो ये हो जाता है उसने। उसने छींका, यहाँ छींकने का काम कौन कर रहा है? वह है। तो यहाँ पे कर्ता कौन है? उसने। ठीक है, कर्ता कारक। इसी प्रकार मोहन ने गाना गाया, मोहन ने गाना गाया। अब गाना गाने का जो काम है वो कौन कर रहा है? मोहन कर रहा है। तो यहां क्या हो गया? कर्ता। इसी प्रकार मुझे घर जाना है, मुझे घर जाना है। अब जाने का काम जो करेगा कौन? मैं। कौन करूंगा? मैं। मुझे घर जाना है। तो यहां पर कर्ता क्या हो गया? मुझे या मैं, वहां पर कर्ता कारक हो गया। तो दोस्तों सीधी सी बात यही है, कर्ता कारक वही होता है जहां पर क्रिया का कर्ता से सीधा संबंध होता है। दोस्तों अब हम देखते हैं कर्म कारक। कारक का दूसरा भेद है कर्म कारक। कर्म क्या होता है? कर्ता जिसको सबसे ज्यादा चाहता है, कार्य को करने वाला जो कर्ता होता है जिसको सबसे ज्यादा चाहता है वही क्या है? कर्म कारक। या हम कहें कि क्रिया का परिणाम, क्रिया का प्रभाव, क्रिया का फल जिस पर पड़ता है वही क्या कहलाता है? कर्म कारक। जैसी बात हमने की राम पुस्तक पढ़ता है, क्या वाक्य है? राम पुस्तक पढ़ता है। यहां पे देखिए राम क्या है, हमने बात कर ली कर्ता कारक है। राम में क्या है? कर्ता कारक है। अब यहां पे क्रिया क्या है? पढ़ने का काम कर रहे हैं, लेकिन क्या पढ़ रहा है? राम क्या चाहता है, क्या पढ़ना चाहता है? पुस्तक पढ़ना चाहता है। पढ़ने का फल है, पढ़ने का प्रभाव है, किस पर पढ़ रहा है? पुस्तक पर पढ़ रहा है। तो यहां पर पुस्तक क्या हो गया? कर्म कारक हो गया। कर्म की पहचान कैसे करें? जो क्रिया होती है उसे दो प्रश्न पूछिए। हमने क्रिया जब पढ़ी थी उसमें बात कर ली थी आराम से, फिर भी दोबारा से देख लीजिए। क्रिया को दो प्रश्न पूछिए, क्या या किसे पढ़ता है? क्या पढ़ता है? पुस्तक पढ़ता है। या किसे पढ़ता है? पुस्तक को पढ़ता है। ठीक है, तो जहां पर उत्तर मिलता है, जिसका जो उत्तर आता है वही क्या होती है वाक्य में? कर्म कारक होता है। सीता ने रोटी खाई, वाक्य क्या है? सीता ने रोटी खाई। अब खाने का काम कर रहा कौन है? सीता। यहां पे कर्ता क्या हो गया? सीता। ठीक है, खाना है ये खा रही है, ये क्या हो गई? क्रिया। क्या काम कर रही है? खाने का काम। लेकिन अब क्या खा रही है, इसको वाक्य में प्रश्न पूछो दो, क्या खा रही है, किसको खा रही है? तो रोटी खा रही है, रोटी को खा रही है। तो यहाँ पर कर्म क्या हो गया? रोटी। क्या हो गया? रोटी। क्या है? कर्म। इसी प्रकार किसान ने बैल को मारा, किसान ने बैल को मारा। यहां पर किसान है वो करता है, मारने का है क्रिया। अब किसको मारा है, एक क्या मारा है? तो बैल को मार रहा है। दोनों में से एक का उत्तर से, तो वहां पर जिस जो उत्तर आता है वही क्या है? कर्म कारक। वहां क्या है? कर्म कारक होता है। दोस्तों कुछ उदाहरण और देखते हैं। जैसे यहाँ पे मैं विद्यालय जा रहा, तो यहाँ पे देखिए मैं क्या है? कर्ता कारक है। जाना क्या है? क्रिया। अब
जो क्रिया का प्रभाव जिस पर पड़ता है वही क्या होता है कर्म कारक। तो यहां विद्यालय जा रहा है तो यहां विद्यालय को जा रहा है, यहां पे हो जाएगा कर्म कारक। ठीक है, निखिल ने उसे पुरस्कार दिया, निखिल ने उसे पुरस्कार दिया तो किसको दे रहा है उसे, तो कौन सा हो गया कर्म कारक। गांव के दोनों ओर या चारों ओर, गांव के दोनों ओर जहां पे आए चारों ओर आए एक तरफ आए तो यहां पे दोनों ओर है चारों ओर है तो यहां पे क्या हो जाएगा इस गांव के कर्म कारक हो जाएगा, गांव में क्या हो जाएगा कर्म कारक। ये दोनों ओर चारों ओर जिस शब्द के आगे आते हैं वही उसी में होगा कर्म कारक। ठीक है, पूजा ढोलक बजा रही है तो यहां पे पूजा क्या है करता है। ठीक है, बजाना क्रिया है, अब क्या बजा रही है ढोलक तो क्या हो गया कर्म कारक हो गया। दोस्तों कर्म कारक में कुछ ऐसे वाक्य भी होते हैं जहां पर दो क्रम होते हैं मुख्य क्रम और गौण क्रम। देखिए दूध वाला ग्राहकों को दूध दे रहा था, दूध वाला ग्राहकों को दूध दे रहा था, यहां भी देखिए, यहां भी देखिए दूध वाला क्या है करता है। अब पहचान आ जाए सवाल आ जाए कि मुख्य क्रम कौन सा है गौण क्रम कौन सा है। तो देखिए जहां पे दो क्रम आ जाए क्या दे रहा है देना क्रिया है, देना क्या है क्रिया। अब सवाल हम पूछते हैं क्या दे रहा है किसको दे रहा है, दोनों का उत्तर मिल रहा है, क्या दे रहा है तो आ गया दूध, किसको दे रहा है तो आ गया ग्राहकों को दे रहा है। ठीक है, तो जहां पर जिसके साथ विभक्ति चिन्ह लगा होता है, ठीक है, जिसके साथ विभक्ति चिन्ह लगा होता है और जो क्रिया से दूर होता है, ये पास है और ये क्या है दूर, विभक्ति चिन्ह लगा हुआ है और दूर भी है, ये तो हो गया गौण क्रम, क्या हो गया गौण क्रम। और जो दूध एकदम पास में है क्रिया के, ठीक है, विभक्ति चिन्ह भी नहीं है, तो ये हो गया मुख्य क्रम, क्या हो गया मुख्य क्रम। तो इस प्रकार आपको मुख्य और गौण क्रम की पहचान करनी है। तो दोस्तों वीडियो थोड़ा बड़ा होने के कारण कल आपको इसका दूसरा भाग मिल जाएगा जिसमें हम पढ़ेंगे करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक और जो संबंध कारक, अधिकरण कारक, संबोधन कारक जो भी बचे हैं इन सब की चर्चा हम करेंगे अगली कक्षा में। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कमेंट करके बताना कि कैसा लगा, सभी दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, पास में जो बेल आइकन है उसे दबा लीजिए जिससे अगले वीडियो की सूचना सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।